रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास की दशमी तिथि को मनाया जाता है। आज पूरे देश में गंगा दशहरा धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन शहरों में विशेष उत्सव मनाया जाता है। बताया जा रहा है कि यूपी की अयोध्या से सटे सुल्तानपुर में एक ऐसा ही मंदिर है जहाँ दर्शन मात्र से ही लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं और मांगी गई सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। विजत हुआ महावीरन नामक इस धाम पर हनुमान जी की दक्षिणमुखी मूर्ति है। माना जाता है कि इस स्थान पर हनुमान जी ने काले नेमी नामक राक्षस का अपने पैरों से वध कर उसे पाताल में भेज दिया था और आज भी हनुमान जी का बायां पैर जमीन के नीचे तक गया हुआ। शंभु खुद यहां विराजमान है। बता दें, इस धाम पर हर मंगलवार शनिवार को दूर दराज से लोग आकर अपनी मांगते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। बता दें, गंगा दशहरे पर स्नान का पर्व मनाया जाता है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता आशुतोष हमसे जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आज पूरे देश में गंगा दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, आप इस समय कहां पर मौजूद हैं? मंदिर पर मौजूद है। आज जेठ का ये चौथा मंगलवार है जो अंतिम दिन है। बहुत धूमधाम से तमाम तरीके अपनी व्यवस्थाओं के साथ लोग पूजा अर्चना भी करते हैं, भंडारे भी चलते हैं। आज इसी के उपलक्ष्य से आज जो है गंगा धाम का भी पूजा पाठ भी है। लेकिन हम सबसे पहले आपको बताते चले कि जिस पर विजयपुर मंदिर का एक फेमस मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, जेठ के मंगल को लेकर आज काफी भीड़ उत्साह देखने मिल रहा है। इसी में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। यहाँ की आस्था लगाव क्या है, क्या है यहाँ की परंपरा जो भीड़ भरती हुई चली आई है? राम रावण युद्ध के बाद जो लक्ष्मण राम रावण जो युद्ध हो रहा था उसमें लक्ष्मण को जो शक्ति लगी थी तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए जा रहे थे। उस समय रावण ने कालनेम राक्षस को यहाँ भेजा था हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए। हनुमान जी ने यहीं पर कालनेम का वध किया था। इसलिए इसको पौराणिक स्तर पर मानते हैं, यहाँ हनुमान जी की पूजा अर्चना होती है और इनका बहुत ही पौराणिक यहाँ पर मंदिर है। और आज देश के ये जो चौथा मंगल है, आज गंगा दशहरा भी है। गंगा दशहरा का मेला जो पांडे वहाँ लगता है भोपाल में, तो रावण वध के बाद भोपाल में स्नान करने के लिए आए थे, इसलिए उसका भी महत्व है। और यहाँ का दोनों का आज तीर्थ स्थल एक हो गया, संगम एक हो गया है। ऐसा कोई संकट नहीं आया, बल्कि यहाँ पर कभी आने वाले श्रद्धालुओं को लॉकडाउन में भी या कोरोना काल में भी कोई संकट यहाँ उत्पन्न नहीं हुआ है। ये सब हनुमान जी की कृपा है। जो मास्था है वो रामायण काल से है कि बहुत यानी कि प्राचीन समय से यहाँ पर इसकी पूजा अर्चना होती है। हनुमान जी के लोगों में श्रद्धा है, भक्ति है, इसीलिए यहाँ पर जनसैलाब आता है और जिसकी जो मनोकामना होती है यहाँ आता है वो पूर्ण हो जाती है। नहीं, पहली बार नहीं आ रही हूँ, कई बार आई हूँ, अपने दीदी के दामाद के साथ आई हूँ, वो खो गए, मिल नहीं रहे। आशा तो मैं अच्छी लगाई हूँ, यहाँ पे हमेशा आती हूँ और दर्शन अच्छी भी करके जाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बहुत मानती हूँ मैं उनको। हाँ, अच्छा तो है मेरे लिए। जिसकी जो मुरादे हो अपनी मुरादे लेके आया है बाबा का दर्शन करने, दर्शन कर रहे हैं लोग। लोगों का कहना होता है ये अयोध्या के पास जो है ये आपका विजेता मंदिर कहलाया जाता है, इसको लेकर कहता हूँ। मंदिर तो विख्यात है ही है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। ये बजरंग बली का मंदिर तो बहुत विख्यात है ही है। हम जौनपुर जिले के रहने वाले हैं भैया। इस मंदिर की आस्था लगाव क्या है, इसको आप बता दीजिए।
इंसान को लगाव रहता है तभी तो आता है मंदिर में। अब भगवान से प्रेम है, भगवान से लगाव है, तभी तो मंदिर में आए हैं। क्या कहना है, अपनी इच्छा लेके आए हैं भगवान के पास, मुरादे पूरी हो जाए यही चाहते हैं। जितना लोगों को कहना है जेठ का ये चौथा मंगलवार है, सबकी मुरादें पूरी होती है। ये यहाँ की बहुत अद्भुत और ऐतिहासिक ये मंदिर है, जो यहाँ की जो परंपरा है जो चलती चली आई है, जो भी मुरादें होती हैं वो पूरी होती हैं। जथुआ महावीरन मंदिर में मौजूद हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं गर्मी भी तेज है, धूप भी है, तो मंदिर परिसर में कैसी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? व्यवस्था की बात करेंगे, हर मंगलवार शनिवार को यहाँ पे भीड़ होती है, जो पहले से ही यहाँ पे चाहे वो पंडा के लोग हो, तो यहाँ के लोकल दुकानदार हो या कोई भी जो व्यवस्था मंदिर की संभाल रहा है, वो पूरी व्यवस्था के साथ जो है भक्तों को जो है यहाँ दर्शन कराते हैं। कोई भी अगर समस्या संकट जैसी अगर आ भी जाती है, वो संकट भक्तों के साथ लोग खड़े भी रहते हैं, वो संकट को लेकर पूरा भी किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी इसमें आपको बात बता दें, अभी आप पहले ही यहाँ पे जो है लॉकडाउन हो चुका था, कोविड का माहौल था, जो कोविड के माहौल को लेकर भी जो है यहाँ पे लोग दर्शन करने भी आते थे, लेकिन कहा जाता है यहाँ पे जो भी दर्शन करने आते हैं यहाँ पे मंदिरों में दर्शन करने वाला कोई भी बीमारी संकट हम लोग के ऊपर नहीं आता, ये लोगों का भक्तों का कहना होता है। मौजूद है, एक बार हमारे दर्शकों को पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। ये बिल्कुल आपको पूरी वो तस्वीर दिखाएंगे किस तरह की यहाँ की आस्था और लगाव है। हम अपने कैमरामैन से भी कहेंगे यहाँ पे वो आप नजारा दिखाइए जिस तरह यहाँ पे लोगों का दर्शन हो रहा है। ये साक्षात आप पूरा देख सकते हैं, पूरी भीड़ है और ये आपका यहाँ पे कुंड बना हुआ है, कुंड में लोग का नहाना धोना दुकानदारी सब कुछ अच्छे ढंग से चल रहा है। प्रशासन की भी साथ पूरी व्यवस्था भी है, उसी की तमाम मद्देनजर को रखते हुए भक्त अपने शांति पूर्वक तरीके से जो है यहाँ पे दर्शन करके अपने घर की तरफ जा रहे हैं। जी धन्यवाद आशुतोष हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो ये आप सुल्तानपुर के बिजथुआ महावीरन धाम से तस्वीरें देख रहे थे, जहां गंगा दशहरा का पर्व और बड़े मंगल का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। भक्त भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं, वहीं सुरक्षा के और तमाम व्यवस्थाएं भी मंदिर में की गई है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।